वंदे जगत्कारणम् वंदे पन्नगभूषणम् मृगधरम् वंदे पशूनां पतिम् वंदे सूर्यशशांकवह्निनयनम् वंदे मुकुंद प्रियम् वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। करोड़ों के दिलों में राज करने वाले काली महाराज हमारे साथ है। उनका शिव तांडव जो है वो बहुत लोगों ने उस शिव तांडव को सराहाया है। मुझे बोलिए काली महाराज जी कि आपका शिव तांडव जो है वो आज करोड़ों भक्तों के करोड़ों लोगों के दिल में राज कर रहा है, इसका श्रेय किसे देंगे या फिर किस तरह का आप लग रहा है कि आज करोड़ों के दिल में आप छा जाए? ये जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और भक्त लोग इतना इसको पसंद कर रहे हैं, इसका सारा का सारा श्रेय मैं महर्षि अगस्त्य जी को देता हूँ और रावण जी को देता हूँ, क्योंकि उन्होंने स्तोत्र रचा नहीं होता था तो हम क्या गाते थे। और महामुनि अगस्त्य जी अगर कृपापूर्वक स्वर नहीं देते थे, संगीत नहीं देते थे कंठ में, तो ये स्तोत्र गा ही नहीं पाता था मैं। तो सद्गुरु सबसे पहले महर्षि अगस्त्य जी, उनके कारण ही ये गा पाता हूँ। और महाकाली माई मेरी माँ, उनकी कृपा दृष्टि है। और जिसका स्तोत्र है वह भगवान शिव, उनकी भी दया दृष्टि है जो ये सब कर पा रहा हूँ। रावण जी को भी धन्यवाद है, महर्षि अगस्त्य जी के चरणों में कोटि कोटि बार धन्यवाद अर्पण करता हूँ। शिव भगवान, कालिका परमेश्वर। आपके गायन से बड़े बड़े गायक भी फेल हो रहे हैं, क्या आपने संगीत की शिक्षा ली है? तो ली है तो कहाँ ली? बड़े बड़े गायक बहुत ग्रेट ग्रेट संगीतकार हैं लोग दुनिया में, और भारत में भी अद्भुत अद्भुत गायक लोग हैं और महान प्रसिद्ध भी हैं वो। मेरे पास में संगीत अगर सागर है तो मेरे पास में वो सागर की एक बूंद है मात्र। कुछ विशेष संगीत का मुझे ज्ञान नहीं, और जो कुछ भी है वो महर्षि अगस्त्य जी की कृपा से है। उनकी कृपा दृष्टि से ही जो कुछ भी थोड़ा गा लेता हूँ उतना ही उनकी कृपा से। मैं कुछ विशेष सीखा नहीं हूँ संगीत। मध्य प्रदेश के आप, मध्य प्रदेश में आपके काफ़ी अनुयायी है, क्या आप हमेशा मध्य प्रदेश में जाते हैं? हाँ, इंदौर में मैं रहता हूँ बाणगंगा में, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेम देने वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा सम्मान भी करते हैं। अकोला में भी सम्मान करने वाले ढेर लोग हैं, बहुत प्यार करते हैं अकोलावासी भी, इंदौरवासी भी बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए जो सुख प्रेमी संगम है सो वैकुंठ न होए, इस भाव से ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रेम जहाँ मिल रहा है वहाँ सहज ही व्यक्ति चले जाएगा, तो इंदौर बहुत जाना होता है। वैसे तो सब जगह ही, भारत के सब क्षेत्रों में ही बहुत प्रेम और सम्मान प्राप्त होता है। भारत धर्म भूमि है इसलिए साधुओं को सम्मान तो मिलता ही है भारत में। अब भले ही मैं साधु संत हूँ नहीं, लेकिन ये वेशभूषा के कारण लोग मुझे साधु संत समझ लेते हैं, हालांकि ये साधुओं की वेशभूषा भी नहीं है। साधु लोग जरी के कपड़े पहनते नहीं हैं, साधु लोग एक तो पूरी तरह से श्रृंगार का त्याग कर देते हैं, या तो फिर वो रुद्राक्ष वगैरह ढेर सारे इस प्रकार के श्रृंगार होता है। श्रृंगार का प्रधान अंग होता है केश, बाल। तिरुपति को जो केश भेंट किए जाते हैं वो सौंदर्य भेंट किया जाता है, क्योंकि सुंदरता बालों में होती है। कोई कितना भी सुंदर हो अगर उसको गंजा कर दिया जाए तो वो सुंदर नहीं दिखेगा, तो सारी सुंदरता बालों में होती है। योगी लोग इसलिए बालाजी भगवान को जो केश भेंट किए जाते हैं वो सौंदर्य दान है भगवान बालाजी को। तो साधु लोगों का श्रृंगार त्याग ये भाव होता है सन्यासियों का, इसलिए वो एक तो जटाजूट रखते हैं उस तरह से बिल्कुल दूर, दाढ़ी मूछ है और जटाजूट है जैसे पतंजलि के रामदेव जी महाराज, या तो फिर पूरी तरह से उस तरह से बड़ा प्यार, बिल्कुल गंजे दाढ़ी मूछ भी नहीं,
उस तरह से बिल्कुल नज़दीकीपन, माने पूरी तरह से गंजा रहना, दाढ़ी मूछ न रखना, ये श्रृंगार त्याग का लक्षण है। या तो फिर उस तरह का बिल्कुल वापर न करना, जटा जूट रखी हुई है, जटाए में भी के कंघी नहीं करी होती है, वो बड़का दूध लगा के जटाए बनी हुई होती है और दाढ़ी बढ़ रही है जैसी बढ़ रही है, इस प्रकार से वो बालों को सेट ना करना, ये श्रृंगार त्याग का लक्षण है। एक तो पूरी तरह से बाल रखे हुए हैं उसकी कोई केयर नहीं है, या तो फिर गंजे है पूरी तरह से, ये श्रृंगार त्याग का लक्षण है, ये साधुओं का लक्षण है। अभी मैं तो दाढ़ी ट्रिम करता हूँ सेटिंग करता हूँ दाढ़ी की, बाल भी कंघी करता हूँ, तो मैं साधु नहीं हूँ, संत नहीं हूँ, कृपा करके मुझे साधु संत ना माने, मैं काली माँ का बेटा हूँ और मुझे धर्म कार्य में रुचि है, मैं ब्रह्मचारी हूँ, अविवाहित हूँ और सदा अविवाहित ही रहूँगा, ब्रह्मचारी रहूँगा, मेरे गुरुदेव ने मुझे संन्यास दीक्षा दी हुई है, लेकिन मैं साधु संत नहीं हूँ, मेरे सद्गुरु महामुनि अगस्ती जी ने मुझे सन्यासी ब्रह्मचारी बनाया हुआ है, लेकिन मैं साधु संत नहीं, कृपया मुझे महामंडलेश्वर या अष्टोत्तर सहस्र श्री 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 लगाते अनंत श्री विभूषित ऐसा कुछ ना माने, वो महान लोग हैं सबके सब साधु संत या महामंडलेश्वर लोग, मैं सामान्य व्यक्ति हूँ। हाँ, मुझे काली माँ का बेटा कहलवाना बड़ा पसंद है। अब सभी काली माँ के बेटे हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं है कि मैं काली माँ का बेटा हूँ, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, बाकी नहीं बोल रहे, बस इतना ही। ज्वलधनंजय सुलिङ्गहानिपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्बनायकम् सुधामयूखलेखय विराजमानशेखरम् महाकपालि सम्पदे शिरो जडालमस्तु नः करालभालपट्टिका धगद् 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 ज्वलधनञ्जयाहुतीकृत प्रखण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुजाग्र चित्र पत्रक प्रकल्प नैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। मध्य प्रदेश के दर्शकों के लिए शिवकांड का एक लाइन, कोशिश करता हूँ, आवाज खराब है, आवाज ठीक ना होने के कारण अब जगदम्बा की दया से जैसा हो गए एक ही पद गाऊंगा, नहीं तो आप वो इंटरनेट पर से डाल लो ना, लेकिन आपको भी चाहिए स्पेशल। अच्छा, सनिधनि रे सनि धरे धनि धरे धनि धरे धनि धरे धनि धनि धरे ध सनि धनि सरे सनि धनि सरे सनि धप धनि सरे सनि धप धनि सरे 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 सरि ग 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 पधनि धव म पध भम ग ग ग ग ग ग ग ग ग म भम गरि रे 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 गम गरि स स स स स स स स रे सनि सरे ग गरि सरे ग म म गरि ग म प पम ग म पध धव म पधनि नि धव धनि स र स जटाटवी गलत जल प्रवाह भावित स्थले चल खराब हो रहा है सर। आखिरी सवाल है कि आपके इस का श्रेय किसे देंगे आप? इसका सारा श्रेय या ये जो कुछ भी प्रसिद्धि समृद्धि ये सारा हुआ है, सब लोग सर पे उठा रहे हैं, इसका सारा का सारा श्रेय मेरे सद्गुरु महामुनि अगस्ती जी, मेरे माता पिता, बड़े लोगों के आशीर्वाद और जितने भी शिव भक्तों ने मुझे सोशल मीडिया पे प्रेम दिया है, सम्मान दिया है, उन सबको दे रहा हूँ, देता हूँ, है ही, देने का क्या है, वो श्रेय उनका ही है, इतना सब उन्होंने सोशल मीडिया पे फैला दिया मुझको, सद्गुरु भगवान, बड़े लोगों के आशीर्वाद, माता पिता के और ये शिव भक्तों के आशीर्वाद जिन्होंने मुझे पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करता हूँ इन सबके चरणों में। और शिव काली का स्तोत्र है, इसलिए शिव भगवान की तो दया तो है ही,
लेकिन श्रेय सबको ही जा रहा है, मुझे नहीं है मात्र, क्योंकि मेरे पास में बूंद भर है, वो तो जगदम्बा की लीला है, सदगुरु की कृपा है और ये सोशल मीडिया की कृपा है। ये सोशल मीडिया के आविष्कार करने वालों को श्रेय दूँ, इन सबको धन्यवाद ही धन्यवाद दूँ, उपकार ही उपकार है मेरे पे सब लोगों के, सदगुरु के प्रधान उपकार हैं, महर्षि अगस्त्य जी के, माता पिता के, बड़े भाइयों के, बहनों के उपकार हैं, मित्रों के, शिष्यों के उपकार हैं, आप लोगों के, मीडिया वालों के उपकार हैं, सोशल मीडिया वालों के उपकार हैं, इन्होंने जिन्होंने ये यंत्र बनाए हैं जिससे पूरे विश्व में ऐसे चुटकी बजाते ही पूरे विश्व में लाइव हो जाता है, इन सबके उपकार हैं मुझ पर, इन वैज्ञानिकों के उपकार हैं, रावण जी महाराज का उपकार है जिन्होंने शिवकांडों की रचना करी, वो उन राजाओं के उपकार है जिन्होंने ऐसे दिव्य मंदिर बनाए जहाँ पर हम स्तोत्र गा सकते हैं, उन महर्षियों के उपकार है जिन्होंने इतनी सौंदर्यमय राग रागिनियाँ उत्पन्न की, इन सबके उपकार ही उपकार है। मैं तो सारे जगत के उपकारों के तले दबा हूँ और सदा दबे ही रहूँगा, उसमें से निकलने का कोई मार्ग नहीं, और मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, सबके उपकार है मुझ पर, कोटि कोटि धन्यवाद है सबको, कोटि कोटि धन्यवाद। तस्य स्थिराम रथ गजेन्द्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभुः। ओम इति श्री रावण कृतम् शिवतांडव स्तोत्र पाठम् श्रीये कालिकागस्त्येश्वरार्पणम् अस्तु। ओम।